दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के लाइव फीड में इस समय घर के अंदर एल्विश यादव और जेड हदीद आपस में पंजा लड़ाते हुए नजर आ रहे हैं और इस पंजा फाइट में यानी कि आर्म रेसलिंग में यहां पर एल्विश भाई ने यहां पर जेड हदीद को हरा दिया है। दरअसल दोस्तों घर के जहां बाकी कंटेस्टेंट गार्डन एरिया में और इधर उधर बैठकर बातचीत कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर एल्विश यादव और जेड हदीद वॉशरूम एरिया में बैठे हुए हैं और इस दौरान वो पंजा लड़ा रहे हैं और यहां पर मनीषा रानी अपने लवर यानी कि जेड हदीद को सपोर्ट कर रही है तो बेबी का यहाँ पर अपने लवर बॉय यानी कि एल्विश भाई को सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है और दोनों उनके लिए जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। और इस दौरान दोस्तों आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि एल्विश ने जेड हदीद को बराबर की टक्कर दी है। जी हाँ दोस्तों, जेड हदीद जो कि इतनी अच्छी खासी बॉडी बनाए हुए हैं, डेली वर्कआउट करते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम करते हैं, एक भी दिन वर्कआउट को मिस नहीं करते हैं, उस बंदे को देसी छोरे के सामने हारना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, एल्विश ने यहाँ पर काफी देर तक अपने हाथ को एक ही जगह पर स्टैंड रखा, खड़ा रखा, उस हाथ को हटाया नहीं, बिल्कुल भी दबने नहीं दिया जेड के सामने और दोनों बराबर एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। लेकिन इसी बीच बेबीका ने जेड हदीद का हाथ को दबा दिया और एल्विश को जिता दिया, क्योंकि दोस्तों यहां पर वो एल्विश को किसी भी कीमत पर हारते हुए नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि बेबी का प्यार करती है यार एल्विश भाई से। फिलहाल कैसी लगी आपको इन दोनों की है आर्म रेसलिंग हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप भी एल्विश यादव के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।